बहुत तेज़ बारिश आई, लेकिन बस गाड़ी खमा खड़ी थी, मुझे तो पता नहीं चला कब भाई। मुझे लोगों ने फ़ोन आया मेरे कि तुम्हारी गाड़ी इधर आ रही है, तो मैं दौड़ के इधर आया, लेकिन मैं तो रस्सी उस्सी भी लेके आया कि कुछ करेंगे, लेकिन पानी कम नहीं हो रहा। जी हाँ, यो जी आगे एक रैम्प्स यानी रैम्प सा है, इस पर था मेरी गाड़ी तो काफ़ी इधर थी, फिर भी उसके बावजूद भी चली गई। क्या बारिश तेज आई है? बहुत तेज बारिश है, बहुत तेज बारिश आई, उसमें पानी भी बहुत तेज पानी पानी था। ये कह रहे करीब 8 गाड़ियाँ निकल गई। आपकी कौन सी गाड़ी? मेरी I-10 ग्रेड भाई साहब। हाँ जी, हरिद्वार हमारे कोई रिलेशन वाले थे, उनकी डेथ हो गई थी उसमें। किस तरह का दृश्य था भाई साहब जब गाड़ी? सर बड़ा खतरनाक, हम लोग फोटो ले रखी है हम लोगों ने, बड़ा खतरनाक था। बारिश पहले थोड़ा धीरे धीरे बारिश हुई, एकदम तेज़ बारिश हुई। जब हमने वहाँ देखा तो तब तक जो है सारी गाड़ियाँ बह रही थी, बहुत सारी गाड़ियाँ हमारी गाड़ियों में बह गई। जी हाँ जी, मेरी लगभग कितनी गाड़ी थी और आपकी कौन? ये 8-9 गाड़ियाँ भाई। अच्छा, आपकी भी गाड़ी थी? मेरी नहीं, जिया जी की थी। किस तरह का दृश्य था, कैसे भाई कहाँ से मारी? पानी एकदम बाढ़ आई ऊपर से, कुछ लोग जो है 1-2 गाड़ियाँ हटवाई हुई लोगों ने वहाँ पर, उतने में बहुत तेज़ बारिश आई जिससे सारी एक साथ बह गई। हाँ कुछ गाड़ियाँ, उसके बाद नीचे देखिए आगे जाके रुक गई थी बाहों में, कुछ आगे तक बहती हुई चली गई जो अभी देख रहे हैं। या किसी के अंत्येष्टि में क्या जाता है कि बरसात की नदी का जल स्तर बढ़ गया है, इसलिए जल स्तर से दूर रहे और नदी के किनारे से दूर रहे, नहाते समय ध्यान रखें, पानी का बहाव कभी भी तेज हो सकता है, इसलिए समय संयम बरतें और नहाने में जो है नदी के अंदर ना घुसे। आपको दोबारा से बताया जा रहा है, बरसात का पानी का बहाव बहुत तेज है और जल स्तर अचानक बढ़ जा रहा है, इसलिए नहाते समय सुरक्षित नहाएं और सुरक्षित अपने घर पहुंचे। थैंक यू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।